दोस्तों गूगल पे किस देश की कंपनी है, इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों गूगल पे तो सभी यूज करते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह भी जानना चाहते हैं कि गूगल पे आकर किस देश की कंपनी है। तो दोस्तों गूगल पे अमेरिका की कंपनी है, यह एक अमेरिकन कंपनी है जिसे इंडिया में चलाया जा रहा है। जैसे कि आप गूगल पे यूज कर सकते हैं, ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है जो कि गूगल पे है। गूगल पे को पहले तेज के नाम से जाना जाता था और उससे पहले इसे एंड्रॉयड पे के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ पर चलिए हम प्ले स्टोर में जाते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्ले स्टोर है, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर प्ले स्टोर है और यहाँ पर यह गूगल पे भी है जिसको जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, इसको हम ओपन कर लेंगे। देखिए जो गूगल पे इस तरीके से वर्क करता है, इससे हम यहाँ पर न्यू पेमेंट पर जाकर किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, UPI ID के द्वारा किसी को भी पैसे दे सकते हैं। इस तरीके से हम इस जो गूगल पे ऐप है इसका यूज करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा, जो कि प्ले स्टोर होता है। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम गूगल पे टाइप करके यहाँ पर सर्च कर देंगे। देखिए गूगल पे टाइप करके और यहाँ पर सर्च कर देंगे। ये देखिए इसकी जो रेटिंग है 4.3 रेटिंग है, ये मतलब बहुत अच्छा है आउट ऑफ 5 और इसके अभी तक 100 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। और अगर हम यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर जो रेटिंग है इस पर जाएंगे और जो इसके हम सबसे नीचे जाएंगे तो इसके बारे में हमको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भारत से न्यू लिखा हुआ है, लास्ट अपडेटेड June 15, 2020 लिखा हुआ है और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए अबाउट दिस ऐप, सिंपल सिक्योर ऐप फॉर UPI ट्रांसफ़र रिचार्ज बिल एंड पेमेंट टू बिजनेस। मतलब कि हम इससे रिचार्ज भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं और पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और इससे मल्टीपल काम हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम जो अपना बैंक अकाउंट इससे लिंक रहता है उसका बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं, बस टिकट, ऑर्डर मील्स मतलब खाना भी हम इससे मंगा सकते हैं और जो IRCTC ट्रेन टिकट्स होती हैं वो भी बुक कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वर्जन है अभी इसका 61.0.001 वर्क कर रहा है और इसके डाउनलोड हैं वो अभी 100 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ऑफर्ड बाय गूगल LLC है, मतलब यह गूगल का प्रोडक्ट है और यह जो रिलीज डेट है इसकी 17 सितंबर 2017 में यह लॉन्च हुआ था। इसकी जो ऐप परमिशन है, देखिए इसमें जो कैमरा है, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, माइक्रोफोन, फोन, SMS, स्टोरेज, यह इसकी हमें यह परमिशन देनी होती है तब यह ऐप सही तरीके से वर्क करता है, क्योंकि इसमें जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सेव करनी होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस वीडियो में जान लिया कि गूगल किस देश की कंपनी। आपको पहले एक बार बता दूँ, गूगल एक अमेरिकन कंपनी है जिसे पहले तेज के नाम से भी जाना जाता था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गूगल पे और जो ब्रैकेट है उसमें तेज लिखा हुआ है, तो इसे गूगल पे बाद में नाम दिया गया था। इसके पहले इसका जो नाम था उसका नाम तेज था और इसकी जो टैगलाइन है अ सिंपल एंड सिक्योर पेमेंट ऐप, मतलब हम इजी तरीके से और सिक्योर तरीके से किसी को पेमेंट कर सकते हैं। इसे अभी तक बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और इसकी जो रेटिंग वगैरह है 4.3 है, ये भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है इसके बारे में। और यहाँ पर जो रिव्यू है, देखिए इस तरीके से वर्क करता है, जैसा कि आप यहाँ पर टैप फोर तेज मूड का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें इस तरीके से कुछ वाउचर भी मिल जाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से हमको अमाउंट जो कि हमारा बैंक अकाउंट रहता है उसको लिंक करके हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। और अगर सामने वाला का बैंक अकाउंट लिंक है तो सीधे हम उसके मोबाइल नंबर के द्वारा उसको पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमको उसका अकाउंट नंबर IFSC कोड डालना होता है। ये देखिए जैसा कि आप गूगल पे है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि यह किस देश की कंपनी। दोस्तों यह एक अमेरिकन कंपनी है जो कि एक गूगल का प्रोडक्ट है, जैसे आप गूगल तो यूज करते होंगे। ये देखिए जो गूगल है जिस पर हम कुछ भी सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पर यह है गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त कर ली गूगल किस देश की कंपनी है और इसे कब लीज किया गया था। दोस्तों यह वीडियो